पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी फ्रंट फुट से खेल रही है। मोदी और शाह की प्लानिंग के आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहीं नहीं टिकने वाली। बीजेपी का संगठन एक चुनाव के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके किसी भी कार्यकर्ता ने, फिर चाहे वो पहली पंक्ति का कार्यकर्ता हो या तालुका स्तर का कार्यकर्ता, संगठन को किस तरह मजबूत करना है इसी काम में लगा रहता है। अब भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनावों में बंपर जीत हासिल की थी। अब भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक विस्तृत संगठनात्मक योजना तैयार की है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पार्टी के हर सदस्य को शामिल किया जाएगा। इस कार्य योजना के तहत हर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक नेता प्रभारी होगा। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और कार्यान्वयन पर जानकारी एकत्र करने और तैयार करने के लिए केंद्रीय, स्थानीय और साथ ही जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इन मंत्रियों को स्थानीय संगठन का इस्तेमाल करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र के जनसांख्यिकी का स्वरूप तैयार करना होगा। ये समितियां उन बूथों और ब्लॉकों की जांच करेंगी जहां पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों का खराब प्रदर्शन रहा है। स्थानीय नेतृत्व से मिले फीडबैक के आधार पर सुझावों के साथ ये विवरण केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा। सोशल मीडिया पर भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए समितियां एक ट्विटर हैंडल स्थापित करेंगी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50,000 फॉलोअर्स बनाएंगी। समितियों से कॉलेज जाने वाली लड़कियों, स्वयं सहायता समूहों और धार्मिक नेताओं और समुदायों तक पहुंचने के लिए कहा गया है। संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 राज्यों का दौरा करेंगे। जहां शाह सीधे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं, वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी इस कवायद में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के लिए मंत्रियों को 18 महीने का समय दिया गया है। भाजपा संगठन के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि अगर फिर से हमें 300 से अधिक सीट के साथ वापसी करनी है, तो हमें संगठन को जमीनी स्तर पर अभी से मजबूत करना होगा, तभी जाकर फिर से भाजपा केंद्र में 300 से ज्यादा सीट से वापसी कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।